पीएम किसान का रुपया अगर आपको नहीं मिला है तो टेंशन नहीं लेना है, बस एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद आपका रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो छोटा सा काम क्या है जो कि आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पीएम किसान का ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर स्टार्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। चलिए फिल कर दिए, गेट डाटा पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला पता नहीं है तो कैसे निकालना है आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। और इस तरह का स्टेटस जो है खुलकर सामने आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टार्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ऑप्शंस है और इसमें जो है नो है, यहाँ पे दिखा रहा है ये जो लाभार्थी है इनको रुपया नहीं मिला है, यानी इसका लैंड सीडिंग जो है ज़मीन का जो रसीद एलपीसी वगैरह लगाया ये ओके है। और ई जो है केवाईसी भी करवा लिया है, यहाँ पे यस शो कर रहा है। और इसका जो अकाउंट है उसमें आधार लिंक नहीं है, इस वजह से इसका अकाउंट में रुपया नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा आप दूसरे बैंक एक नया अकाउंट खुलवा लेना है और साथ में आधार को लिंक करवा लेना है। आप जब अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो उनसे कहना है कि मुझे डीबीटी का जो रुपया है वो मिलना चाहिए, मेरा अकाउंट में आना चाहिए, समझ गए हैं। और वो उस तरह से आपका अकाउंट ओपन कर देगा और ये 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाएगा और आपका जो रुपया है अकाउंट में आ जाएगा, जो भी 13वीं 14वीं किस्त रुका हुआ है आपको अगर नहीं मिला है तो। अगर यहाँ पे आपका स्टेटर में नो शो कर रहा है तो आपको केवाईसी करवा लेना है। और यहाँ पे अगर लैंड सीडिंग में अगर नो दिखा रहा है तो आपको अपना पंचायत जो किसान सलाहकार है आपका पंचायत का उनसे मिलना होगा और उनको हार्ड कॉपी देना होगा, बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, ज़मीन का रसीद हो गया, ये सब उनके पास जमा करना होगा और लैंड सीडिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है 15 से 20 दिन में अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है। तो आपको सीधा बैंक जाना है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि पीएम किसान में रजिस्टर है और ये वाला कैप्चा जो है यहाँ पे फिल कर देना है। अगर मोबाइल नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ पे आधार चूज करके यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद ये वाला कैप्चा फिल करके गेट मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और आपका मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक बार आपको कंप्लीट दिखा देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा फिल कर दिए और गेट मोबाइल ओटीपी पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे, उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। ओटीपी डाल दिए, गेट डिटेल पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और यहाँ पे इसको कॉपी कर लें या तो फिर आप इसको पेन से लिख लेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाकर के आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।